हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है क्रोशिया के सॉक्स बुनना सीखेंगे। इसके लिए मैंने जो है दो कलर की ऊन ली है। मैंने दो कलर की इसलिए क्योंकि मुझे दो कलर का बनाना चाहता है। अगर आप लोग एक कलर के बनाना चाहते हैं तो उसकी भी बना सकते हैं। दो कलर से क्या होता है कि लुक आ जाता है थोड़ा, ठीक है। और इसके लिए मैंने 10 नंबर की क्रोशिया ली है। 11 या 12 नंबर की लेंगे तो उससे भी अच्छे से बन जाएगा। देखिए, मैंने जो है एक सॉक्स बुन रखा है, एक मैं आपको बुनकर दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से पैटर्न बनाया है मैंने दो कलर से। इसका लुक थोड़ा अच्छा लगता है, एक कलर से भी अच्छा रहेगा लेकिन दो कलर से थोड़ा और अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये 23 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये वाला, और 8 सेंटीमीटर वाइड है। अगर आपको छोटा या बड़ा बुनना है तो उस हिसाब से स्टिचेज इसके घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा सॉक्स बुनते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से अगर आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं स्टिचेज तो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाई ए नॉट लाइक दिस, ठीक है। ये हमने स्लिप नॉट लगा ली है। अब जो है हमें, अब आपका क्या करना है कि इसमें सबसे पहले 3 चेन लेते हैं। 1 2 3, ठीक है। फिर इसकी जो सेकंड चेन है, जो अभी हमने 3 बुनी है, उसकी जो सेकंड चेन है उसमें 6 डबल क्रोशिया करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। देन स्लिप स्टिच टू द लास्ट स्टिच, इस तरह से। ठीक है, अब इतना होने के बाद जो है 2 चेन लेते हैं। ठीक है, फिर जो हमने 6 6 स्टिचेस किए हैं, हर एक में 2 डबल क्रोशिया करने होंगे। हर एक स्टिच में 2 करेंगे तो हमारे 12 स्टिचेस आ जाएंगे। वन टू थ्री एक एक स्टिच में 2 करने हैं हमें, ठीक है ना। 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, last stitch. 12, ठीक है।
12 स्टिचेस हो चुके हैं, अब हमें स्लिप स्टिच करना है जहां हमने दो चेन ली थी। ये हो गया आपका स्लिप स्टिच, ठीक है। अब इसको इस तरह से कर, फिर से दो चेन लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक स्टिच में सिंगल डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में डबल डबल क्रोशिया, यानी कि एक में देखिए एक बार डबल क्रोशिया वन, और नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया करनी है, टू थ्री, ठीक है। यहाँ देखिए एक में एक करनी है और नेक्स्ट वाले में दो करनी है, ठीक है, इसी तरीके से। तो फिर ये 18 स्टिचेस आएंगे आपके। तो ये देखिए ये 18 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं, स्लिप स्टिच। नाउ टू चेन। अब ये हमारे अभी 18 स्टिचेस हुए हैं। अब देखिए अभी क्योंकि हमको और बढ़ाना है, ये इस तरह से आपका सॉक्स आगे बढ़ेगा, ये इस तरह से, ठीक है, इनमें। तो अभी क्या किया था, एक में सिंगल स्टिच और नेक्स्ट में उसी में डबल क्रोशे किया था दो। अब करेंगे एक में सिंगल, एक में सिंगल और नेक्स्ट में टू, वही डबल क्रोशे। वन वन टू टू इन द सेम, ठीक है, यानी कि वन वन और फिर एक में ही आपकी दो, तो ये आपके आएंगे 24 स्टिचेस। ट्वेंटी फोर, ठीक है। तो ये मेरा 24 कंप्लीट हो गया है। अब इसको जो हम दो चेन लेते हैं ना वहां पे इसे स्लिप स्टिच, ठीक है। अब देखिए ये जो बुना है हमने, ये इतना हुआ, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन। अब क्योंकि मुझे कलर चेंज करना है, टाई द नॉट, कट द नॉट लाइक दिस, इसको मैं नीचे ले लेती हूँ। मुझे यहाँ पे क्योंकि कलर चेंज करना है दूसरा, उसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, के लिए भी नॉट लगाएंगे इस तरह से और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये जो नॉट लगाई है ये, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। और ये जो बाकी इसके यार्न हैं ये सब अंदर चले जाएंगे अभी, ठीक है। मैंने यहाँ कलर चेंज कर लिया है। अब 24 स्टिचेस तो हमारे हो चुके थे, दो चेन ले लेंगे। अब देखिए अभी क्या किया था, सिंगल सिंगल और फिर एक में डबल। अब करेंगे सिंगल 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 तीन बार डबल क्रोशिया और फिर फोर्थ वाले में डबल दो बार, तो हमारा हो जाएगा ये 30 का। वन,
ये मैं इस तरह से ले रही हूँ कि ये इसके अंदर ही चले जाएंगे, है ना। टू, थ्री, फोर और फिर इसी में एक और डबल, फाइव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू, सिक्स, सेवन, एट और फिर नेक्स्ट में डबल, नाइन एंड टेन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से करते रहेंगे, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, इसमें डबल हो गया, ठीक है ना। सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन एंड ट्वेंटी एट इट द सेम, ट्वेंटी, 21, 22, 23, 24, 25 इन द सेम, ठीक है। देखिए 1, 2, 3 और इसमें 25, नेक्स्ट इज 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। ये स्लिप स्टिच कर देंगे, चेन टू, देखिए, ठीक है। तो बस अब हमें 30 का ही कंटिन्यू रखना है, ये 30 का ही बुनते रहेंगे हम इसको, यहाँ तक, यहाँ तक आपको इसे करना है, ठीक है। अब आप कलर चेंज करते रहेंगे, मैंने दो दो जो लाइन दी हैं, दो एक कलर के लिए हैं। तो देखिए ये हमें यहाँ तक बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ तक कर लेते हैं इसे। तो देखिए इसको मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, 30 स्टिचेज जितने मुझे राउंड करने थे, देखिए ये अब आप देखिए कि ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हमें इसके आगे जो पार्ट है इसको बुनना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये आपका स्लिप स्टिच, इसको मैं नीचे रख रही हूँ इस पार्ट को, और यहाँ से आपको स्किप करने हैं 8 स्टिचेस, बिल्कुल मिडिल में से, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 यहाँ से। तो नेक्स्ट से आप ज्वाइन करिए यान, स्लिप नॉट लगाकर यहां से सो चेन टू एंड डबल क्रोशिया इन ऑल द 23 स्टिचेस, स्किप 8 स्टिचेस, ठीक है, लाइक दिस। टू, थ्री, फोर,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ठीक है। तो 23 यहाँ देखिए, यहाँ बीच के आपको बिल्कुल 8 स्टिचेस स्किप करने थे। सो देर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8 ठीक है। तो ये आपके 8 स्टिचेस स्किप करने हैं। एक आपका स्लिप स्टिच का होता है, एक सॉरी ये देखो, ये तो आपका स्लिप स्टिच का काउंट करेंगे, काउंट नहीं करें इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आपके स्टिचेस स्किप करने हैं ठीक है। नाउ चेन टू, टर्न योर वर्क, इसको आपको टर्न कर लेना है और देखिए 1 डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये जो 11th स्टेज है ना आपका, ये देखिए, ये यहाँ पे आपका ये जो 11th स्टिच है आपका, यस ये आपका स्लिप स्टिच था जो हम पूरा स्टार्टिंग से कर रहे थे, वो स्लिप स्टिच था। तो यहाँ पे आपको करना है डबल क्रोशिया टुगेदर ठीक है। 1 1 और फिर नेक्स्ट इस तरह ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17,
एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड दिस इज योर लास्ट स्टिच 21। ठीक है, ये देखिए ये आपका इस तरह से ये वाला पोर्शन जो है ये है। ठीक है, अभी इसके दो राउंड्स और बाकी हैं तो कलर चेंज करके मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से आप यहाँ ज्वाइन करेंगे और सेम इसी तरीके से फोर राउंड्स और करने हैं, टू इस कलर के और टू ये वाले, फोर राउंड्स यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड अप टू यहाँ। ओके, ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या है कि ये वाला पार्ट हमको बुनना है। सो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपके स्टिचेस आएंगे ना, ये आपके 21 स्टिचेस हैं। ठीक है, ये हैं आपके 21 स्टिचेस, तो इसको 7 7 7 इक्वली डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 7 डिवाइड करने के बाद यहाँ से 7 के बाद आफ्टर 7 आपको यहाँ ज्वाइन करना है और यहाँ तक डबल क्रोशिया करनी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक। चेन वन, चेन टू, डबल क्रोशिया करनी है आपको 7 स्टिच और ये 7 स्किप करने हैं। अभी देखते हैं, देखो हाफ डबल क्रोशिया करनी है आपको इसमें, हाफ डबल क्रोशिया। ओके, वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, 7 ये स्किप किए हैं और 7 यहाँ। अब क्या करेंगे देखें, 7 स्टिचेस करने के बाद यहाँ पर ये आपका 1 और ये आपका 2 सेकेंड स्टिच, तो स्किप फर्स्ट स्टिच एंड स्लिप स्टिच टू द नेक्स्ट। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टिच है इसको स्किप करिए और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच यहाँ पर इसके अंदर जाके आपका, आई थिंक ये मेरा टाइट हो गया है थोड़ा। ठीक है, इसमें आपको स्लिप स्टिच, ओके, देन टर्न योर वर्क और चेन वन, अब डबल क्रोशिया इन ऑल द सॉरी हाफ डबल क्रोशिया इन ऑल द 7 स्टिचेस। ठीक है, तो जो आपने स्किप किया था उसको वापस स्किप करना है और नेक्स्ट में आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है ऑल 7 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दिस इज योर जॉइंट स्टिच।
ये आपका इससे जॉइंट है तो इसको छोड़ें, नेक्स्ट पे आइए, ये आपका फर्स्ट स्टिच है, तो फर्स्ट स्टिच जो है जॉइन के बाद वाला जो पहला स्टिच है उसको स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, ठीक है, टर्न योर वर्क, चेन वन, देन स्किप वेरी फर्स्ट स्टिच एंड नेक्स्ट 7 स्टिचेस हाफ डबल क्रोशिया, फर्स्ट स्टिच को स्किप करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, so this is your joint stitch. Now come to the next, this is your first stitch and skip the first and slip stitch to the next. Okay. Turn your work. Chain one. Up. Skip very first stitch and 7 double crochet in all the stitches. Okay. Skip first stitch, 7 double crochet in all the 7 half double crochet. In every stitch. One. Two. Three. Four. Five, 6, 7. So, this is your joint stitch. ये आपका joint है, इससे इसको रहने दें. Next को skip करना है और उसके next में slip stitch. ठीक है? Then turn your work. Chain one. Skip very first stitch or next is 7 stitches half double crochet. 1, 2, 3, 4. I think I miss. One, two, three, four, okay, five, six, seven. So this is your joint stitch, skip your first and slip stitch to the next. Turn your work, chain one, skip first stitch, 7 double crochet in all the stitches, half double crochet, 1, 2, 3. Okay, this is my last stitch and skip one and slip stitch to the next. Okay, chain one, cut the yarn. ये है इस तरह से, ठीक है, तो ये जो स्टिचेस आएंगे आपके ये पूरे 30 होने चाहिए, ठीक है ना. Now, so join the yarn जहाँ पे हमने slip stitch किया है.
चेन वन एंड सिंगल क्रोशिया इन ऑल द 30 स्टिचेस राउंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सो आई हैव डन माई 30 स्टिचेज ऑल द राउंड सो स्लिप स्टिच एंड दिस ठीक है तो इस तरह से हमको जो है यहाँ तक आपको ये वाला पार्ट यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है ठीक है देखिए देखिए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है बस ये लास्ट राउंड है इस लास्ट राउंड को कंप्लीट करते हैं लास्ट राउंड में पूरे आपको 30 स्टिचेस में चेन वन और सारे 30 स्टिचेस में आपको हाफ डबल क्रोशिया करनी है ठीक है दिस इज योर लास्ट राउंड हाफ डबल क्रोशिया द वेरी फर्स्ट स्टिच वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स दिस इज योर सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सॉरी फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स
27 28 29 30 There is one extra stitch, so it will be 31. ठीक है, सो स्लिप स्टिच टू दिस, जहां हमने दो चेन ली थी ना वहां पे आपको स्लिप स्टिच कर देना है. ये आपका कंप्लीट हो चुका है.